आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं सफादिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC सदस्य बनने के बाद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन पहली बार आज रविवार 29 अक्टूबर को बिदर के दौरे पर आए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य बनने के बाद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन के बिदर आगमन पर नूर शिक्षण संस्थान के संस्थापक निदेशक व कांग्रेस के सीनियर नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने किया सम्मानित। ब्रिम्स में आयोजित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के 89वें वार्षिक सम्मेलन में कर्नाटक सरकार के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव और फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी मिनिस्टर व बिदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे रहे उपस्थित। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर लॉन्च होगा नया संगठन मेरा युवा भारत, प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में किया ऐलान। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC सदस्य बनने के बाद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन पहली बार आज रविवार 29 अक्टूबर को बिदर के दौरे पर आए। कैबिनेट मिनिस्टर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान ने शाहपुर गेट पर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता विजय सिंह, क्रिश्चियन समुदाय के नेता एवन डिसूजा, बिदर CMC चेयरमैन मोहम्मद गौस के अलावा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन को जुलूस की शक्ल में ले जाया गया। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन के आगमन पर शाहीन स्कूल के कॉर्नर पर शाहीन संस्थान की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया और किरण से फूल माला पहनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस नेता मुन्ना सेठ और अन्य उपस्थित थे। यहां से उनका काफिला नूर कॉलेज की ओर बढ़ा। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा के साथ खुसरू अहमद की रिपोर्ट। कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC सदस्य बनने के बाद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन पहली बार आज रविवार 29 अक्टूबर को बिदर के दौरे पर आए। उनके बिदर आगमन पर नूर शिक्षण संस्थान के संस्थापक निदेशक व कांग्रेस के सीनियर नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन और कैबिनेट मिनिस्टर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान का शाल और फूल माला पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर बैंड बाजों और आतिशबाजी के साथ डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन का स्वागत किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। कैमरामैन कृष्णा के साथ खुसरू अहमद की रिपोर्ट। बिदर में बिदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ब्रिम्स में आयोजित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के 89वें वार्षिक सम्मेलन मेडिकॉन 2023 जारी है। इस सम्मेलन में कर्नाटक सरकार के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी मिनिस्टर व बिदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे मुख्य अतिथि थे। IMA दिल्ली के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर RV अशोकन ने इसका उद्घाटन किया। IMA कर्नाटक शाखा के डॉक्टर शिवकुमार लक्कोल और IMA कर्नाटक शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर एस श्रीनिवास ने सोवेनियर रिलीज किया। ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन डॉक्टर चंद्रकांत गुदगे, ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन डॉक्टर विजय श्री बाशेट्टी और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर मल्लिकार्जुन पनशेट्टी ने सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों को शाल पहनाकर गुलदस्ता और मोमेंटो भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी मिनिस्टर व बिदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने संबोधित किया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। व्यक्ति अनारोग्य सर रीत नोड ಅವರ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೀ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಅವರಿಂದಲೇ ನಾನು ಈ ಒಂದು ದಿವಸ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿ ದೇವರ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡದಂಗೆ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, ಸಮಾಜ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಹಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನೀಗ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 5-6 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಅವರೇನೇನು ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅವರ ನಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆನೂ ಎರಡು ಸಲ ಆಪರೇಷನ್ ಲೋಟಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಅಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ್ ಮಾಡಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಇವತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅದೇ ಚಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಳಿಪಟ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮುಖಭಂಗ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿರವಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹಾಕಿದ್ರು ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಚೆಗೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೂರು ಬಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದೇನಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. अहमदाबाद में 11वें शरीफ के शुभ अवसर पर जुमा की नमाज के बाद से रात 9 बजे तक गुलशन अजीजिया दरगाह हजरत सैयदना खुतबुद्दीन शाह कादरी चिश्ती बुखारी मोहल्ला ख्वाजा गरीब नवाज में आसार मुबारक व मुकद्दस तबरुकात और मुए मुबारक की जियारत करवाई गई, जिसमें गिलाफ काबा शरीफ सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक, शहीद आजम सैयदना हजरत इमाम हुसैन की तस्वीर मुबारक, मुए मुबारक पीरान पीर हजरत सैयदना गौसे आजम दस्तगीर और हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल मारूफ ख्वाजा गरीब नवाज की गिलाफ मुबारक की जियारत करवाई गई, जिसका संरक्षण आस्थाना बुखारिया अहमदाबाद के सज्जादा नशीन हजरत सैयद पाशा हुसैनी कादरी चिश्ती बुखारी ने किया. इस अवसर पर जनता को जमजम पानी और खजूर परोसा गया. मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सिद्धू पाटिल विधानसभा सदस्य हुमावाद, मोहम्मद नसीमुद्दीन पटेल, सैयद शकील अहमद साबरी, मोहम्मद एजाज अहमद शाह खादरी एजाजी, भीमराव पाटिल और हमनाबाद के सुनील पाटिल, मुफ्ती मोहम्मद बशीरुद्दीन निजामी जुनैदी, सैयद मुस्तफा खादरी, मोहम्मद मंसूर अहमद और कई अन्य लोग उपस्थित रहे. चिड़गुप्पा के पत्रकार सैयद मुस्तफा खादरी ने मुस्तफा आदिल को यह जानकारी दी. तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी टिकटों के वितरण में हो रहे अन्याय के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर लगातार धरने और विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. रविवार को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने अपने नेता को टिकट नहीं देने पर शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद अन्य कार्यकर्ताओं ने उसे ऐसा करने से रोक दिया. बताया जा रहा है कि मिर्सापुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने अनिल कुमार को टिकट नहीं देने पर गांधी भवन पर भारी विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान एक कार्यकर्ता ने अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़क लिया और आग लगाने की कोशिश की. ये विरोध नरसापुर से अनिल कुमार की जगह राजी रेड्डी को टिकट देने को लेकर किया गया. अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर. देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा. एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें. बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर. फोन नंबर्स 9945283920, 8482127. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है. देखते हैं आगे के समाचार. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार डेंगू से पीड़ित हैं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने रविवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अजित को चिकित्सीय निगरानी में रहने और अगले कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी गई है.
उन्होंने कहा अजित पवार के सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल न होने पर मीडिया की अटकलों पर मैं बताना चाहूंगा कि उन्हें डेंगू होने की पुष्टि कल ही हुई है। पटेल ने पोस्ट में ये भी कहा, अजित पवार अपनी सार्वजनिक सेवा जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। एक बार जब वो स्वस्थ हो जाएंगे तो वो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को जारी रखने के लिए पूरी शक्ति के साथ लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मेरा युवा भारत नामक एक संगठन की नींव रखे जाने की घोषणा की है, जो राष्ट्र निर्माण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं में देश के युवाओं को सक्रिय भागीदारी निभाने का अवसर प्रदान करेगा। आकाशवाणी पर रविवार को प्रसारित मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 106वें कड़ी में देशवासियों से अपने विचार साझा करते हुए मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में खादी से जुड़े उत्पादों की बिक्री में हुए इजाफे का हवाला दिया। उन्होंने देशवासियों से एक बार फिर अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादों को खरीदने की अपील की और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने कहा कि 31 अक्टूबर को ही एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी संगठन की नींव रखी जा रही है और इस संगठन का नाम होगा मेरा युवा भारत। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है, देखते हैं अन्य समाचार। हरियाणा के गुरुग्राम से सड़क पर स्टंट करने का एक और वीडियो सामने आया है। इसमें एक शख्स रिवर्स गियर में अन्य गाड़ियों के साथ सड़क पर अपनी कार दौड़ाता नजर आ रहा है। शख्स ने वीडियो सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए बनाया, लेकिन अब उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। हरियाणा पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इंस्टाग्राम रील के जरिए मशहूर होने की चाहत ने गुरुग्राम में 3 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में गुरुग्राम की एक व्यस्त सड़क पर कार स्टंट रील शूट की, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर जा रही एक बस के 48 यात्रियों की जान बाल बाल बची। बस के ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ा, हालांकि उसने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए बस को एक दीवार से टकरा दिया ताकि बस रुक सके और सबकी जान बच सके। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि रात भर के लिए भुवनेश्वर जा रही एक बस के 48 यात्रियों को बचा लिया गया है। यह घटना शुक्रवार रात कंधमाल जिले के पाबुरिया गांव के पास हुई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बस चालक की पहचान सना प्रधान के रूप में हुई है। प्रधान को गाड़ी चलाते समय सीने में दर्द होने लगा, जिस वजह से उन्होंने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC सदस्य बनने के बाद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन पहली बार आज रविवार 29 अक्टूबर को बीदर के दौरे पर आए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य बनने के बाद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन के बीदर आगमन पर नूर शिक्षण संस्थान के संस्थापक निदेशक व कांग्रेस के सीनियर नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने किया सम्मानित। ब्रिम्स में आयोजित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के 89वें वार्षिक सम्मेलन में कर्नाटक सरकार के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव और फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी मिनिस्टर व बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे रहे उपस्थित।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर लॉन्च होगा नया संगठन मेरा युवा भारत, प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में किया ऐलान। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।